नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अंक 2 नंबर के हैं और मैंने लगभग 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ये 2 नंबर में आपको पूरे फंसेंगे इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपको 85 से 90 तक यही क्वेश्चन आएंगे ओनली 2 नंबर में। तो आपको ये 15 क्वेश्चन है इनको जरूर कर लेना है। हाँ, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है 15, लेकिन आप डे बाई डे करेंगे एक दिन में 10, तो आप 5 दिन में आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि मेरे भी 92 आए हैं, तो मैं आपको इससे ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि सोशल साइंस में आप देख सकते हैं मेरे 92 हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ही आप लोगों के यहाँ, इसलिए मैंने 92 इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, कम नहीं किए। इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत टफ पेपर बनेगा तो वो भी फंसेंगे, इसलिए मैंने क्या ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि 25-30 कर लेता तो वही 75 और 80 समथिंग आते आप लोगों के। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक और इससे भी कम करके सेलेक्ट बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे सोशल साइंस के। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा ही जाता है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सोशल साइंस में कोई दिक्कत होती है याद करने में, तो हम आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताएंगे, बहुत ही आराम से आपको याद भी हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है मृदा अपरदन एवं संरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आपको मैं 15 क्वेश्चन है इनमें से मैं आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट करके बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कर लें। कुछ मैंने अनइम्पॉर्टेंट लगाए क्योंकि कहीं डिफिकल्ट पेपर बन गया तो वो भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये दो तो आप जरूर कर लें, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको जरूर करना है। तीसरा है भौम जल पानी के स्रोत, तो ये क्या 2017 में पूछा गया था, इसलिए आप इसको भी कर लें। चौथा है गुलाबी क्रांति, तो ये भी 2017 में पूछा गया था। पांचवा है ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए, तो आपको गैर परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताना है। पांचवा है खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं इसके तात्पर्य यानी इससे बताना है आपको। छठवा है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। सातवा है आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, तो आपको बताना है। मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं बनाया है क्योंकि जो 2018 में पेपर हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं आया ब्लूप्रिंट, कुछ आगे कुछ नंबर का वैसा आया था, इसलिए मैंने जो सेलेक्ट किए इसलिए 15 क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं किए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आठवा उद्योग किसे कहते हैं, ये आधारभूत उद्योग और उद्योग ये आप अगर ज़्यादा हो तो ना भी करें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताऊंगा वो तो आप करते ही जाएं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं याद क्या जा रहा है। एक दो बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 है आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आयात यानी आना, तो देश किसी चीज़ को जो वस्तु मंगाता है उसे क्या आयात कहते हैं। निर्यात यानी निकालना, जब देश किसी वस्तु को बाहर भेजता है तो उसे हम क्या निर्यात कहते हैं। आप सिर्फ आयात निर्यात यानी क्या निकालना, ठीक है। तो ये बाहर देता है और ये आयात यानी मंगाता है। दसवां है भूस्खलन क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं डिफिकल्ट पेपर बन गया तो आ सकता है, तो कर लेना आप। और 11वां हड़प नीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कर लें। और 12 ये 1857 के जो स्वतंत्र संग्राम है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वे आप लगभग सभी कर लें क्योंकि इसमें से हमेशा 2 नंबर का एक ना एक पूछा ही आता है। 1857 स्वतंत्र संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये क्या चर्बी वाले कारतूस था। बहुत छोटा है आंसर, बस आपको एक बार पढ़ना है हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, तो आपको ये प्रमुख नेताओं के नाम बताना है। और व्यापक रूप से ये कहाँ फैलाता है, तो आपको बताना है कहाँ पर इसके प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं, जैसे मेरठ छावनी कुछ हैं तो आप बता सकते हैं। एक दो बार पढ़ने में याद हो जाएगा और अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगा, प्रश्न आपको बनाना है अच्छे। तो 11वां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कर लें। बहिष्कार का अर्थ क्या है, ठीक है दोस्तों, बहिष्कार का अर्थ क्या है। 5वां कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 16वां लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, तो ये लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लें। रॉयल एक्ट क्या था, ठीक है, ये बहुत ही रॉयल एक्ट आपको बताना इंपॉर्टेंट है, इसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से क्योंकि आप लोगों का आधा से ज़्यादा कोर्स हो चुका होगा, आपको पता होगा सर जॉयमन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक समूह बना था, ठीक है, लेकिन इसमें सभी के विदेशी सदस्य, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। जो मैं बोल रहा हूँ आधे लोग तो उसी से याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, CTBT क्या है इसको इनकी अपेक्षा अगर आप ये जरूर कर लें। CTBT ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी कर लें, एक दो बार पढ़ के जरूर जाएँ आप पेपर में।
20वां आपातकाल क्या है, तो ये भी कर लें क्योंकि ये 2-3 नंबर में पूछा ही जाता है, तो ये जरूर कर लें आपातकाल क्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है, मैंने लगभग 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो वैसे 2 नंबर में है अभी, मैंने 2 नंबर फिर 3 नंबर फिर 4 नंबर ऐसे ही सिलेक्ट करता जाऊंगा। ये 2 नंबर मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए हैं क्योंकि 2 नंबर जो नंबर परसेंट आपकी कराती है वो 2 नंबर में ही आते हैं, 5 नंबर और 4 नंबर के तो वो कुछ सेलेक्ट रहते हैं उन्हीं में स्पष्ट है, 2 नंबर और कुछ उल्टी होती हैं वही आपकी परसेंट गिराते हैं। चलिए 21वां देख लेते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों को संरक्षक कौन है, ठीक है। 22वां संविधान क्या है, 23वां सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, क्या न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये कि 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 24वां मादक या नशीले पदार्थ किसे कहा जाता है, 25वां सांप्रदायिकता से क्या आशय है, राष्ट्रीय आय, ये इस पार्ट में से जो 2 नंबर के हैं उसमें से आप सभी कर लें, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, तो ये क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है। आर्थिक कल्याण क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर कर लें, ये वाला राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय क्या है वह इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग आपको मैं 95% गारंटी देता हूँ ये आएगा इस साल इंडिया वर्जन 2020 क्या है, क्योंकि ये अगले अभी पिछले पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल नहीं पूछा गया, तो ये 2 नंबर के उसमें तो आप पूरे क्वेश्चन कर लें। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना की सूत्र लिखी है, जो प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालते हैं उसके गणना करना है आपको। 31वां जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग कर लें। बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है, जॉब कार्ड क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, और प्रश्न क्रमांक 34वां है वस्तु बिन में क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो बार पढ़ के आप जरूर चले जाएँ वस्तु बिन में क्या है, ये आपने मेरे ख्याल से बिन में पढ़ना नहीं 9th में ही पढ़ा हो तो याद हो जाएगा आपको। देश में नोट छापने का कार्य किस बैंक द्वारा किया जाता है, तो क्या रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, तो ये आप जरूर कर लें, मुद्रा की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 37वां ATM, ये 2017 में पूछा गया था ATM क्या है, तो आप इसको जरूर कर लें क्योंकि जो 2017 दो साल पीछे के पेपर कुछ बन जाता है तो आप जरूर कर लें, ठीक है। और 38वां सेवा क्षेत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेवा क्षेत्र क्या है। अधोसंरचना किसे कहते हैं, ये 2 प्रकार की होती है, इसमें आप जरूर करके जाएं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण की सहायता से समझाइए, इसमें आपको कैसे प्रश्न पूछेगा, या तो आपको प्राथमिक क्षेत्र को उदाहरण से समझाएगा या फिर द्वितीय क्षेत्र, मैंने दोनों साथ में लिख दिए हैं, ऐसे बोलेगा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए या द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए 14 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं इधर 41वां अधोसंरचना के प्रकार, तो ये 2 प्रकार की होती है, तो आपको प्रकारों का वर्णन करना है, ठीक है। 42वां दूर संवेदी इकाई से क्या आशा है, ये आप कर लें क्योंकि आने की संभावना है। उपभोक्ता शोषण से क्या आशा है एवं इसके प्रकार बताइए, तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, ये आप जरूर कर लें, लगभग 95% आने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 44वां वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं, ये हमेशा 1 नंबर 1 OT में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है कि इसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये 2000 अभी पूछा गया था पिछले पेपर में, 1 नंबर OT में आया था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्या कहीं क्वेश्चन बन जाए 2 नंबर में। 46वां कालाबाजारी किसे कहते हैं, 47वां उपभोक्ता के कर्तव्य लिखिए, और 48वां भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो ये क्या मिश्रित प्रणाली अपनाई गई है। 49वां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, और लाल बाल पाल से क्या तात्पर्य, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके बताए हैं, लगभग इसी में से आपका पेपर फंसेगा 90 नंबर तक, और अगर आपको कुछ कम क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा जो 85 से 17 से 85 तक आ जाएंगे, और कुछ कम कर दूंगा। चलिए अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाटे हैं अभी मैंने क्या आप लोगों को 2 नंबर का ही बताया, अब अगली वीडियो में आप कमेंट करेंगे 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर इसके और मैं बताऊँगा, तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 3 नंबर 4 नंबर और बहुत ही कम क्वेश्चन चाटूंगा, क्योंकि ये दो आपका जो पेपर होता है वो इसी में से आपकी परसेंट और कम होती है, या तो OT में होता है या 2 नंबर में, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ये पूरे करना है, 15 क्वेश्चन है,
15 क्वेश्चन ही करना है, और 3 नंबर और 4 नंबर 5 तो कुछ सेलेक्ट रहते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वही करना है आप लोगों का। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये आप ज़रूर कर लें, मैंने 15 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं तो आप ज़रूर कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।